हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल के बारे में, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे, डिव के बारे में सीखे थे, उसे इम्प्लीमेंट किए थे, उसकी बेसिक चीज़ें हम लोग को जानने को मिला था। मगर इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हमारी वेबसाइट की तरह दिखेगा। जैसे ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर बनाए थे, मगर ये वीडियो में हम लोग डिव को यूज करके ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने हेड बार, नेविगेशन की, और यहाँ पे साइड बार, मेन कंटेंट सेक्शन बनाएंगे, फुटर एरिया बनाएंगे। एकदम इजीली, इजी वे में मैं आपको बताऊंगा ये एकदम कैसे इजी तरह से आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, आपकी वेबसाइट को एक नई लुक दे सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी कोडिंग करेंगे, तो कैसे ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, अभी हम लोगों ने CSS के थ्रू इसे लिंक करना है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ है तो उससे मैं हटा देता हूँ पहले यहाँ पे। मैंने डीव के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन की है, मतलब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ओनली मेंशन की ही मैंने, और उसके बाद HTML की जो डाटाबेस को मैं अभी लिंक करूँगा। ओके, उसके लिए मैं जाऊँगा लिंक। ओके, यहाँ पे HTML टेबल, HTML टेबल डॉट CSS को यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया। ओके, यहाँ पे उसका आउटपुट भी देख लेते हैं, ये रही इसका आउटपुट। और यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मेंशन की नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को डिव के थ्रू ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसलिए हम लोग पहले ऐड करेंगे डिव। ओके, और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेक्शन है। ओके, चार सेक्शन है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार डीवी बनाना पड़ेगा। ओके, चार डीवी बनाना हम लोग को पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद इससे हम लोग सेपरेट करेंगे, वो अलग बात है, मगर पहले जो हम लोग करेंगे ये चार सेपरेट चीज़ें हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। ओके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डीवी के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे डीव, चार ऐसे चार ऐड करेंगे। ओके, 1 div, ओके, और 2 मैं ऐड कर लेता हूँ। हो गया हमारा काम। और यहाँ पे पहले वाले पार्ट पे हम लोग अभी यूज करेंगे क्या, हेडर सेक्शन। दूसरे वाले में हम लोग यूज करेंगे नेविगेशन बार, तीसरे वाले में हम यूज करेंगे मेन कंटेंट, और उसकी जो साइड बार, और चौथे वाले में फुटर हम लोग ऐड करेंगे। ओके, उसकी उसको कलरिंग करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, तो कैसे हम लोग आज CSS को भी यूज करेंगे, और यहाँ पे लेंथी ना हो, ये एकदम यूनिक दिखे, तो इसलिए हम लोग जो भी चीज़ें करना पड़ेगा हम लोग को CSS के थ्रू हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में जो भी मैंने दिखाया था CSS के थ्रू, वो सारे के सारे क्लास मैंने ऐड की थी, वही क्लास को यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं पहले हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन। ओके, और दूसरे में हम लोग ऐड करेंगे नेव सेक्शन। ओके, और तीसरे में हम लोग अभी रखते हैं, और चौथे में हम लोग ऐड करेंगे फुटर। ओके, यहाँ पे हमारा जो तीसरे में यहाँ पे 2 चीज़ देखने को मिलती है, मगर हम लोग को 4 अभी बनाना पड़ेगा, डिव ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग तीसरे जो डिव के अंदर हम लोग ऐड करेंगे मेन कंटेंट। ओके, इस तरह के हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें मैंने ऐड किया, यहाँ पे देखो उसका आउटपुट भी आप देख सकते हो, ये देखो इसका आउटपुट है ना। अभी हम लोग चीज़ें ऐड करते जाएंगे CSS के थ्रू। ओके, तो पहले हम लोग को यहाँ पे
डॉट क्लास आपको पता है स्टार्ट होती है डॉट से, तो मैंने डॉट ऐड किया। उसके बाद हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, डिव वन के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो डिव वन और ब्रैकेट स्टार्ट, तो उसके अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, विड्थ ऐड करेंगे, हाइट ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन वगैरह सभी चीज़ें हम लोग अभी ऐड करेंगे। ओके तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, विड्थ उसके अंदर ऐड करेंगे, तो विड्थ ऐड करने के लिए विड्थ इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, विड्थ उसकी देंगे क्या, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करके रखा हुआ है विड्थ हम लोगों ने 1000 पिक्सल और हाइट 600 पिक्सल करेंगे। ओके तो 1000 पिक्सल विड्थ रख दिया हमने और हाइट, हाइट इज इक्वल टू 600 पिक्सल। ओके हो गया। उसके बाद हम लोग अभी ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग ऐड करेंगे क्या, जो भी चीज़ चाहो ऐड कर सकते हो। ओके यहाँ पे मान लो जो भी चीज़ हमने ऐड की है, रेड ऐड की है। ओके यहाँ पे मैंने रेड दे दिया। और टेक्स्ट कलर हम लोग क्या रखेंगे, जो भी रखना चाहो रख सकते हो वेरी इजीली। ओके अभी हम लोग टेक्स्ट कलर ऐड नहीं करेंगे, बस मार्जिन को ऐड करेंगे। ओके तो मार्जिन यहाँ पे ऑटो को ऐड करते हैं, है ना, मतलब ऑटो का मतलब क्या होगा, जो भी आउटपुट यहाँ पे आएगी ना, ये ऑटो का मतलब ये बीच में आ जाएगी। ओके तो इसका आउटपुट पहले हम लोग देखते हैं, जैसे डिव वन क्लास, क्लास ऐड किया मैंने और डिव वन करके मैंने ऐड किया। ओके तो उसका आउटपुट देखो, अभी यहाँ पे आप देखो इसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है, आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि हमारा जो हाइट था क्या 600 और विड्थ किया था 1000 पिक्सल। ओके तो इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हो वेरी इजीली, है ना। तो उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, सारे चीज़ को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सीएसएस के अंदर चलेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या उसका जो हेड सेक्शन, तो हम लोग पहले ऐड करेंगे डॉट हेड, हेड सेक्शन के लिए हेड ऐड करते हैं। ओके उसके बाद हम लोग उसकी विड्थ लेंगे, हाइट लेंगे, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो उसके लिए विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू हम लोग विड्थ लेंगे क्या, वही सेम 1000 पिक्सल। ओके और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे उसकी हाइट, हाइट इज इक्वल टू हम लोग अभी ऐड करेंगे जो हेडर की हाइट है, हम लोगों ने मेंशन की है यहाँ पे 50 पिक्सल, है ना, यहाँ पे 50 पिक्सल ऐड की है, तो यहाँ पे हम लोग 50 ऐड करते हैं। ओके उसके बाद हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, ये हेडर सेक्शन है, तो हेडर की फाइल हम, हेडर की जो विड्थ है, हाइट है, हम लोग 50 पिक्सल ऐड करी है, उसका हाइट तो 1000 पिक्सल ही है ही। और उसके बाद हम लोग उसकी बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे। ओके बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने यूज की, बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी यूज करेंगे क्या, मान लो ये रेड यूज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फ्लॉट, फ्लॉट यूज करेंगे, फ्लॉट कहाँ पे वो दिखना चाहिए, लेफ्ट के अंदर हम लोग को दिखना चाहिए। ओके उसके बाद टेक्स्ट कलर यूज करेंगे, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे हम लोग ब्लैक यूज करते हैं। ओके ब्लैक यूज करिए हमने और सेव करा मैंने, और डॉट एज यहाँ पे हम लोग उसे लिंक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्लास, क्लास हेड, ओके सेव करा मैंने और उसका आउटपुट देखो, ये रेड के साथ रेड मिक्स हो जा रहा है, तो हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, इसे और कुछ कलर कर देना पड़ेगा। ओके
तो ये जो पहली वाली चीज है ना, इसका कलर अब फिर रेड ना रख के ब्लैक कर देते हैं, ओके, या ब्लू, ओके। अभी देखो इसका आउटपुट क्या होगा। ये रही इसका आउटपुट, हम लोगों ने रेड ऐड की है कहाँ पे, हेडर सेक्शन पर। उसके बाद नेविगेशन की पे आएंगे, मेन मेनू पर आएंगे, मेन कंटेंट के ऊपर आएंगे, फुटर के ऊपर आएंगे, वो सारी चीज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने हेड सेक्शन ऐड करी है और वही सेम चीज़ को, वही सेम यहाँ पे मैं लाया हेड को, यहाँ पे फुटर के अंदर को भी यूज कर लेते हैं, ओके। क्लास हेड है ना, सेव करा मैंने, उसका आउटपुट देखो, ओके। और अभी क्या करेंगे, ये जो फुटर के अंदर हम लोगों ने पिक्सल्स थोड़ी ज़्यादा दी है, तो इसके लिए इसे हम लोग कॉपी करेंगे, ओके। सेम चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे ना, और यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ मेंशन करते हैं, जो कि फुटर डॉट फुटर हम लोगों ने ऐड की है, पेस्ट करा, और यहाँ पे जो 50 था उसे मैंने 100 पिक्सल करा, और कुछ भी नहीं ऐड करा, ओके। यहाँ पे डॉट फुटर, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फुटर, ओके, सेव करा। अभी उसकी आउटपुट देखो, ये 100 पिक्सल की बन चुकी है ना। उसके बाद रहा नेव मेनू, हमारा जो नेविगेशन की के लिए और मेन कंटेंट के लिए रहा बाकी। तो अभी हम लोग बनाते हैं नेविगेशन की के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, नेव डॉट नेव सेक्शन, ओके, डॉट नेव ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी यूज़ करेंगे क्या, वही सेम चीज़, ये जो ये चीज़ ऐड करेंगे अभी, ओके, वही सेम की सेम चीज़ मैंने ऐड करा, बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर को हम लोग अभी चेंज कर देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे रखते हैं ग्रीन, ओके, इससे ऐड करते हैं, और टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रखते हैं, ओके, सेव करा मैंने। अभी उसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे नेव चला मैंने, क्लास, बहुत इजीली है, बहुत इजीली हो रहा है, ओके, नेव और ये क्लास, ओके। यहाँ पे आप देखने, आपको जो देखने को मिलेगी, ये हेडर सेक्शन रहा, ये नेविगेशन मेनू रहा, फुटर हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, अभी मेन कंटेंट के बारे, ओके। तो मेन कंटेंट के लिए हम लोग के पास जो हाइट वर्थ है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पे हाइट है 400 पिक्सल, ओके। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे चलेंगे और ऐड करेंगे यहाँ पे डॉट मैन, ऐसे ऐड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी जो ऐड करेंगे ना चीज़ें, वो देखो, वुड्थ ऐड करेंगे अभी, वुड्थ इज इक्वल टू कितना रखेंगे, उसका वुड्थ क्या होगा, जो कि मेन कंटेंट की 700 पिक्सल, ओके, है ना। और उसकी हाइट, हाइट इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे कितना, यहाँ पे आप लोग को 400 हाइट रखना पड़ेगा, ओके, 400। और उसकी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी ऐड करते हैं, इससे इसको ऐड कर लेते हैं। और अभी हम लोग और कुछ नहीं ऐड करना है उसे, उसके अंदर अभी हम लोग फ्लॉट ऐड कर देते हैं, ओके, फ्लॉट ऐड करेंगे लेफ्ट, ओके, FLOAT, ओके, लेफ्ट
ऐड करा मैंने, और अभी हम लोग लिंक करते हैं। इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। ओके, तो नेविगेशन की के अंदर हम लोगों ने और भी चीज़ें ऐड, दो सेक्शन हम लोग को चाहिए। ओके, ये मेन कंटेंट के अंदर, तो मेन यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे मेन हटा के और दो डीवी बना लेते हैं। ओके, दो डीवी हम लोग को और भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अभी ऐड करेंगे यहाँ पे मेन मेन कंटेंट। ओके, और यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे। क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी लिखा था मेन, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ओके, और वही सेम चीज़ यहाँ पे साइड बार लिखेंगे, तो साइड बार के लिए हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे। डॉट साइड बार, डॉट साइड, डॉट साइड के अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या, हाइट। हाइट क्या रहेगा हमारा, उसकी हाइट 400 पिक्सल। ओके, और उसकी विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ उसका रहेगा 300 पिक्सल, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसकी बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी ऐड करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। ओके, हो गया। अब लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट, फ्लोट भी हम लोग उसका आउटपुट देखते हैं पहले, उसके बाद जो भी कुछ ऐड करना पड़ेगा हम लोग ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे डॉट साइड करके मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे, क्लास डॉट साइड। ओके, अभी उसका आउटपुट यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि चीज़ें हम लोगों ने कर चुके हैं यहाँ पे देख सकते हो आप। हमारी हेडर सेक्शन, उसके बाद नेविगेशन बार सेक्शन, मेन कंटेंट सेक्शन, यहाँ पे साइड बार रहा, फुटर यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिए। तो इस तरह आप सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी है। अगर यहाँ पे दो चीज़, मतलब दो कलम ज़रूरी था, तो मैं डीप के अंदर दो डीवी ऐड किया, उसे सेपरेट किया और उसकी हाइट वुड्स मेंशन किया, हो गया काम, है ना। अगर आप चाहो यहाँ पे अगर तीन डीवी की ज़रूरत पड़ती, मतलब तीन रो हो या कलम हो जो भी हो, उसे अगर उसकी ज़रूरत पड़ती, तो आप वही तीन डीवी लेते, यहाँ पे सेपरेट कर देते, उसकी हाइट वुड्स सारी की सारी चीज़ें ऐड करते, बस हो जाता। ओके, तो इस तरह आप बहुत ईजीली ये सारी की सारी चीज़ें बना सकते हो। ये देखो, जो भी चीज़ हम लोगों ने बनाई थी, ये सेम टू सेम चीज़ें है ना, सेम टू सेम चीज़ें। ओके, तो इस तरह आप जो भी चीज़ें चाहो, मतलब आपकी साइट की स्ट्रक्चर अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहो, तो ये डीव के थ्रू आप लोग बना सकते हो, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी और भी चीज़ें सीखेंगे, डिव के थ्रू हम लोग और भी, मतलब साइट क्रिएट करेंगे और उस साइट के अंदर कंटेंट वगैरह सब कुछ डालेंगे और उसे कस्टमाइज भी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।